एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। आज हमने पढ़ना है फलसफियाना नहज, जिसको ज़्यादातर ना वो पेपर्स में फलसफियाना नहज के नाम से नहीं आता, वो आता है फलसफे की अहमियत। अगर ये एक टॉपिक है, इसके मतलब कि दो हैं, ये एक टॉपिक है लेकिन इसके नाम दो हैं। यहाँ पर फलसफियाना अहमियत आएगा, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अगर फलसफियाना नहज आ जाएगा तो भी आप लोगों ने यहाँ से लेके वहाँ तक लिखना है, क्योंकि बाज़ूकात यहाँ पे ज़्यादातर ना फलसफियाना नहज नहीं आता होता, हमेशा ज़्यादातर जब भी आया तो फलसफे की अहमियत आया। तो आज हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है और पिछला वाला सबक भी याद करना है। आज हम पढ़ेंगे फ़लसफ़ा का खसूसी मौजू असासे इल्म और असासे वजूद है। कायनात में मौजूद हर शय में इल्लती रिश्ते तलाश किए जाते हैं। तहकीक व तफहीस के इस अंदाज़ों किसी भी नज़रिए या अशा का तनकीदी तज़िया की तह तक पहुँचना कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, तनकीदी तज़िया की तह तक पहुँचना किसको कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। हकाइक का पता लगाते ही सवाल उठाए जाते हैं, क्या क्यों और कैसे के सवाल का जवाब तलाश किया जाता है। जहाँ कहीं भी ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, इसे फलसफियाना नहज कहा जाता है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया, फलसफियाना नहज किसे कहा जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। और हमने पहले पढ़ा था क्या क्यों और कैसे के सवाल कौन देता है, हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था जब हमारा फर्स्ट लेसन था। फलसफा देता है क्या और कैसे का जवाब साइंस देती है, क्यों का जवाब फलसफा देता है। आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी। अगर कोई फ़र्द किसी भी बात को बग़ैर दलील के बग़ैर साबित किए ना माने, तहकीक का तरीका कर अपनाए, इल्लत और मालूम का रिश्ता तलाश करे, इल्लत कहते हैं वजह को और मालूल किसी शय का होना, ठीक है, या आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, नई मोशगाफियाँ करे, हर मौजूद अनवा के नए मायने तलाश करे, मनतिकी नतज अखज करे, जज्बातों एहसास की रूह में बहने की बजाय अकलो इस्तदलाल से काम लेकर फिक्र की तरवीज तरक्की का सोचे, और हमेशा इस काबिज से में लगा रहे कि नई सूरत हाल से निबरत आजमा होने के लिए अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो समझ लीजिए ये फलसफियाना नहज है। उसके बाद जाएगा फलसफाना नहज का अपना ही तरीकाकार है, इसमें बने बने नज़रियात को आखिरी समझ के बनाए, इसे रद्द करके नए नज़रियात तश्कील दे दिए जाते हैं, रद्द फलसफा भी फलसफा ही कहलाता है। ये MCQs में बहुत बार रिपीट हुआ है और ये बोर्ड के पेपर्स में आ जाता होता है। उसके बाद फलसफा मुख्तलिफ उलूम के फराहम करदा हकाइक को बाकायदा निज़ाम के अंदर मुतहद करता है, इनकी बना पर हम आगे नज़रियात पैदा होते हैं। ये फिलोसफी की डेफिनेशन भी आ सकती है, अगर आपको फिलोसफी की डेफिनेशन आए तो आप एक चाहें एक लिख सकते हैं टाइम मैनेज करके, अगर ज़्यादा आ जाए तो आपने पीछे भी मैंने आपको तीन बताई थी और अभी एक और आ गया। फलसफा हकाइक की काबिले तहलील व तहवील या इंतहाई माहियत या हकीकत का मालूम करने की कोशिश का नाम है। फलसफियाना नहज ये है कि जज़ियात से आगे कायनात पर मैंने ऐसे कुल निगाह चली जाए, अकल व इस्तदलाल के जरिए हर शय नज़रिए की इंतहाई हकीकत दरियाफ़ करने की कोशिश की जाए। कोशिश से मुराद फलसफे में नतीजे हतमी नहीं माने जाते, आइंदा आने के लिए फलसफे के लिए तनकीदो तबसरे के लिए गुंजाइश बाकी रहती है। तासुब तंग नज़री और सती अंदाज फलसफे का काम नहीं, बल्कि इसका अंदाज बहुत वसी होता है। उसके बाद आ जाता है फलसफे की अहमियत भी यही है। यूनानी फलसफी अफलातून ने कहा था कि फलसफी सारे ज़मानों मकान का नाजर होता है, नज़र की बुनियादी फिक्री सवाल पर मबनी होती है। आपने ये नहीं लिखना, अगर आप फलसफी की अहमियत लिख रहे होंगे तो आपने फलसफा लिखना है, फलसफा की बुनियाद फिक्री नज़र पर मबनी होती है, फलसफियाना लिखना। अगर आपको यहाँ पर आ भी जाए ना फलसफे की अहमियत आए तो आपने ये फलसफियाना नहज नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है फलसफा कहा जाता है। यहाँ पे फलसफे का अपना ही तरीक़ाकार है, आपने फलसफियाना नहज नहीं लिखना, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है तनकीद और सोचो विचार क्रिटिसिज्म, आपने पढ़ना है। अब क्रिटिसिज्म फलसफे का सबसे अहम काम
तज्जिया करना है, तज्जिया करना है। तज्जिया की मदद से नजरियात, ताकुलात और अशाकत को अजाम में तकसीम किया जा सकता है। किसी भी फिक्र या नजरिया का तनकीदी जायजा लिया जाता है। गोया तनकीद एक ऐसा फन है जिसकी बुनियादें फलसफा मुहैया करता है। साइंस और समाजी उलूम से मुतलिक मौजूआत मजामीन पर तनकीदी अंदाज नजर से बहस की जाती है। तफक्कुर और तजस्सुस इंसान की जबिलत में शामिल है जिसकी बिना पर जस्तजु काबिश की जाती है। ये तफक्कुर तो जिस इंसान की जबिलत में शामिल है, ये एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है। और इंसानी अकल अकल इंसानी हर दौर में अफकार पोशीदा से हिजाबात उठाती रहती है। इन हिजाबात को आया करना मीन्स के जाहिर करना और सरबस्ता राजों को फाश करना, छुपे हुए राजों को खोलना फलसफे का मकसूद व मतलूब है। फलसफा हमें पूरी कायनात का अहाता करने में मदद देता है, बाज़ुकात तशकीक के अंदाज से और बाज़ुकात इनकशाफ़ मार्फत के दर्जे से अमली और फिक्री मनाजिल से तय की जाती हैं। मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल मसाइल जिस्त की वजाहत फलसफाना अंदाज में से ही मुमकिन है। कदीम अकवाम के नज़रियात फलसफा यूनान मुस्लिम फलसफा जदीद दौरिया पसंदीदा तक हर अदवार में मुख्तलिफ निज़ाम हाय फिक्र बयान किए गए। खुदादार फलसफियों के मालिक फलसफी की बसीरत और सोचो विचार से सब मुमकिन हुआ। तमाम मज़ाहब में पैगम्बराना फिक्र और नज़र की इब्तिदा सोचो विचार और तफक्कुर से होती है। खुदा से राबते और इनकी इनसे फिक्री इंतहा की बेहतरीन मिसाल फलसफा सोचो विचार की मदद से तुजीहात पेश करता है। तुजीहात का मतलब होता है वजह। कायनात में अगर कुछ मौजूद है तो इसकी फितरत माहियत कदर कीमत गर्ज़ व ग़ायत की वज़ाहत सिर्फ फलसफा ही कर सकता है। ज़िंदगी मौत, ज़िंदगी बाज़त मौत, इर्तिका इब्तिदा और इंतहा, माशरती माशी इखलाकी सियासी अमली मसाइल और फिक्री जहतें फलसफा मुहैया करता है। अल्फ्रेड वेबर का ख्याल है कि फलसफा फितर के जामिया नज़र की तलाश और अशिया की हमा के टोच ही कोशिश को कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन भी लिखते तो ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिलोसफी इज़ अ सर्च फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ नेचर एंड अटेम्प्ट एट अ यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन। इसी तरह मशहूर फलसफी मुफक्कर फलसफी विलियम जेम्स का कहना है कि फलसफा वाज़ह तौर पर फिक्र करने की गैर मामूली मुश्किल कोशिश का नाम है। इससे मुराद है कि दुनिया की नज़र से ओझल हकाइक की फलसफा ही फिक्री अंदाज से तशरीह करता है। फलसफाना अंदाज सोचो विचार और तनकीदी तरह तरीक़ेकार से हकाइक तलाश किए जाते हैं। दुनिया में हर ज़माने में कोई ना कोई ऐसी हस्ती ज़रूर होती है जो फ़िक्र की किसी भी शाख को सोच विचार से तख्लीकी और तहकीकी बुलंदियों तक जाती है, ले जाती है। तबियात, कीमिया, नबातियात, इखलाकियात, मंतिक, नफसियात, इल्मियात, फलकियात, गर्ज ये के कायनात की इल्लत ओला दरियाफ़ करने के लिए फलसफाना सोच विचार और तनकीद अहम किरदार अदा करती हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि फलसफे के बगैर कोई इल्म आगे नहीं बढ़ सकता। आगे आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। फलसफे जदीद कवानी डेकार्ट है। मंतिक फिक्र के कवानीन डैश का करता है मुतालिया। कदरियात के गैर अलूम का मुतालिया करता है गैर हतमी। फलसफे का लफ्ज़ सबसे पहले फीसागोरस ने इस्तेमाल किया था। फलसफी नज़रियात कायम करते हैं और साइंसदान इन पर अमल करके आशनात पैदा करते हैं। फलसफे के दायरा कार में वजूदियात, इल्मियात और कदरियात शामिल हैं। अहदियत नज़रिए के मुताबिक कायनात की इब्तिदा एक जोर से हुई है। कायनात चार बुनियादी दर्शे से मिलकर बना है। ये यूनानी फलसफी एम्पेडोक्लीस का ख्याल है। तजर्बियत पसंद का ख्याल है कि इंसान का तमाम इल्म इंतसाबी होता है। ये मंतिक एक मियारी इल्म है जो फिक्र की सेहत की जांच पड़ताल करता है। दर्ज ज़ैल सवालात में मुमकिन चार जवाबात में से सही जवाब की निशानदेही करें। अब हम डिक्टोस करेंगे। फलसफे के लोगों भी मायने हैं हुब्बे दानिश। दर्ज ज़ैल में से यूनानी फलसफी है अप्लाटून। दर्ज ज़ैल में से पहला मुस्लिम फलसफी अलकिंदी। जदीद दौर का बानी डेकार्ट
किसने कहा था फलसफे की पिता हिरानी सुई अफलातू ने, किसने कहा था कि फलसफे की पिता शकोशुभ सुई, डेकार्ट ने इल्मे मंदी का ताल्लुक किससे है इस्तदलाल से अखलाकियात में बहस की जाती है इंसानी किरदार की, दरअसल में से मियारी उलूम कौन सी है मंतिक, मंतिकी नतीज अखज करने के लिए जिससे कुल की तरफ जाया जाता है इस्तकराया में, फलसफा उमुल उलूम है, फलसफा असरी इब्तिदा भी है और इंतहा भी, मंतिक इल्मुल उलूम है, इंसान का शोर बदतदरीज पुख्ता होता जाता है, फलसफे की बुनियादी काम ही सवालात उठाना है, ये कायनात के बुनियादी अनासिर हैं हवा पानी आग और मिट्टी। फलसफे के दो अहम अफ़ाल तरकीब, तरकीब यहाँ पे गलत लिखा हुआ तरकीब है, तरकीब और तहलील या तज़िया सोच विचार और फिक्र करना फलसफा ही है, तासुब तंगनर्जी और सती अंदाज फलसफे का काम नहीं। अभी हमने इस टॉपिक में पढ़ा तफक्कुर और तजस्सुम इंसान की जिबिलत में शामिल है, ये भी अभी हम पढ़ चुके हैं। यूनानी फलसफी अफलातून का ख्याल है कि फलसफे की पिता हैरानी सुई, बिल्कुल टिक, और फीसागोरस का लफ्ज़ सबसे पहले फलसफे, फीसागोरस ने सबसे पहले फलसफे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बिल्कुल जुज़। फलसफियाना अफकार जहन को तकफ़ुल करते हैं, गलत। डेकार्ट जदीद के जदीदियत के मसरूफ़ फलसफियों में से एक है, दुरुस्त। फलसफी नज़रिया कायम करते हैं और साइंसदान इस पर अमल करके मुश्किलात पैदा करते हैं, गलत। साइंस इल्म की इंतहाबी और इंतहाबी, गलत। तनकीद होके तहकीक तरकीब होके तखलील सब की बुनियाद ही फलसफा मुहैया करता है, बिल्कुल दूस। हार्बर्ट स्पेंसर कहना के साइंस जुजी तौर पर जबकि फलसफा कुली तौर पर मुनज़्ज़म इल्म है, दुरुस्त। एम्पेडोक्लीस के ख्याल में कायनात चार बुनियादी अनासिर से मिलकर बनी है, दुरुस्त। जमालियात हमारे जज्बात के हिस्सों कभी से ताल्लुक़ रखते हैं, दुरुस्त। इखलाक जमालिया फलसफा में तासुब तंगनीर का मुजाहरा किया जाता है, गलत। जमालियात में खूबसूरत और बदसूरत अशा की कदर कीमत पर बहस की जाती है, दुरुस्त। मंतिक की सराहियाँ में अमूमी हकाइक से अनफादी हकाइक की तरफ जानते हैं, गलत। रस्म और रवाज के इल्म को भी इखलाकियात कहा जाता है, दुरुस्त। आज ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट हो चुका हुआ है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस पर हम आपको बताऊंगी कि क्या करना है, फलसफा और मज़हब, फिलोसफी एंड रिलीजन। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और तो मेरे आज क्या करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।